इसलिए कि हमारे जहन में इस्लाम का तस्वुर मजहब का है, दीन का है ही नहीं। हम वही समझते हैं कि नमाज, एक तो ये कि हमारे अकायद ठीक हो, नमाज रोजा हज जकात का तकादा हो, कुछ जो हमारे सोशल कस्टम्स हैं, ईदें मनाए, जुमा पढ़े, कुर्बानियां दिया करें ईद उल अजहा में, मुर्दे को दफनाए कफनाए, शादी हो तो इजाब कबूल कराए, फेरे नहीं डलवाएंगे। भाई ये हमारा दीन है, हमारा मजहब है, मजहब दीन नहीं है, दीन का तस्वुर ही नहीं। हम इतने खूगर हो गए महकूमियत के कि दीन के इकामत का तस्वुर, दीन को गालिब करने का तस्वुर हमारे जहनों से निकल गया, जहन में है ही नहीं। उलमा को भी अजनबी सी बात लगती है, ये क्या बात कह रहे हैं, ये तो अजनबी सी बात, इसलिए कि हमारे जहनों से तस्वुर निकल गया। पहले मुसलमान बादशाह थे, मुलुकियत थी, वो इस्लाम तो नहीं था, इस्लामी निजाम तो खिलाफत राशिदा का था, अबू बकर और उमर और उस्मान और अली और हजरत हसन को मैं मस्जिद शामिल कर रहा हूँ। तब 30 बरस बनते जो हुजूर ने फरमाया था कि 30 बरस बाद में तो मुलुकियत आ गई, ये बनू उमैया के बादशाह थे।